हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं को दोस्तों सौगात दिया है। ख़ास तौर पे जो भी ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे वो बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीटेक हैं, बी फार्मा हैं, एमएससी हैं, बीएससी एजी हैं, सभी जो स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दोस्तों बेरोज़गारी भत्ता देंगे। कहीं भी आने जाने का जो किराया होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में सेंटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ऐसी स्थिति में आवागमन का जो भी खर्च आएगा उसे दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे ख़ास तौर पे ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए दोस्तों टैबलेट देने की योजना है। ना केवल टैबलेट दिए जाएंगे, बल्कि इंटरनेट एक्सेस भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो बेरोज़गार हैं उनके संदर्भ में एक विज़न है। और ये चाहे ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी दोस्तों एक सोच है। उसके अलावा जो ऑफलाइन एग्ज़ाम, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने जाने का जो भी किराया है, बस का या ट्रेन का, उसको बियर करेगी गवर्नमेंट। और साथ ही साथ, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आजकल इंटरनेट और स्मार्टफोन का बहुत ही बढ़ चढ़ कर के हिस्सा है, तो स्मार्टफोन्स यानी टैबलेट अवेलेबल तो कराए ही जाएंगे, उसका डिजिटल एक्सेस भी कराया जाएगा। तो दोस्तों, आते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि कहते हैं कि 90,000 युवाओं को अभी नियुक्ति देना है, उस पर पूरा का पूरा काम चल रहा है। उन्हीं की वाणी में दोस्तों आप सुने। भत्ता देके, वाहन भत्ता देके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाएगा, उसको आने जाने